थैंक यू राखी जी, मुझे आपने एंटरटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इनके लिए डबल तालियां होनी चाहिए। भाई राखी सावंत जी के लिए क्या कहूं, कह दूं कुछ गाना हो जाए राखी जी के लिए। कौन सा गाना? बदन पे सितार। वाकई आपने आज बदन पे सितारे, बदन पे। अच्छा काम करता वो गाना सुना था जो आजकल वायरल हो रहा है, मैं से मीना से नसा की से नत पे माने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, और मैं डरता हूं इसके बाप के आ जाने से। राखी आपने बहुत अच्छा डांस किया, जोरदार ताली बजाइए। राखी सावंत डांस कर रही है यार, राखी सावंत अपना खुद का स्वयंवर रचाया था, पता है आपको? जावेद साहब भी कहते, बता दूं भाई? देखिए जहां तक मेरी मालूमात है, सही चीज हो तो जावेद मियां दाद देंगे, सही चीज हो तो जावेद मियां दाद देंगे, और गलत चीज हो तो जावेद मियां डांट देंगे। ये तरीका यकीन मानना, मुझे आपसे निकाह की हसरत है, तो जब घर में ना हो शबाना, जब घर में ना हो शबाना, दुल्हन बन के तबाना। बाबा शुक्रिया, आपके लाफ्टर से पता चल रहा है आप लोग कॉमेडी को बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली मैं ज्योति वेंकटेश जी को तब से जानती हूँ जब मैंने बॉम्बे में कदम रखा था। आई गेस मेरा पहला इंटरव्यू आज से 10 साल पहले ज्योति सर ने लिया था, एंड आई नो हिम सिंस देन, जब मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुई थी। सो फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड एंड हैप्पी मोमेंट, बिकॉज किसी को ग्रो करते हुए देखना और उनकी मेहनत सफल होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय, वी ऑल नो दैट, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री। एंड रही बात सिनेवर्स्टर मैगजीन की, पहले साल पूरा करने के बाद ये जो अवार्ड है वो अनवील हो रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई गेस मैंने सुना है कि इट हैज़ रियल डायमंड्स एंड दैट स्टार्टेड। सो जो भी ये अवार्ड लेके जाएगा, आई होप कभी ना कभी मुझे भी मिले, एटलीस्ट अवार्ड के साथ साथ एक डायमंड रिंग भी बन जाएगा। बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी तो हमने सिर्फ सेकंड शेड्यूल पूरा किया है। एक बहुत अहम भूमिका निभा रही हूँ मैं पिक्चर में, बहुत बड़ा स्टार कास्ट है, नरगिस फाकरी मैम है, संजय सर है, राहुल देव सर है, जो कि बहुत ही अमेजिंग किरदार निभा रहे हैं, और मैं हूँ। सो मेरे लिए हिंदी सिनेमा का पहला मौका है। आई डेंट थिंक कि मुझे लीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं संजय सर की इतनी बड़ी फैन हूँ। सो आई डेंट माइंड प्लेइंग दिस इम्पॉर्टेंट रोल। बहुत ही हटके फिल्म है, मैं बोलूँगी जब पिक्चर बन के आएगी आप लोगों को अच्छा लगेगा, और मेन किरदार पिक्चर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेन लीड है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज हम कुछ अमेजिंग और एक्सट्रीम लोकेशंस पे शूट कर रहे थे किर्गिस्तान में, जहाँ पे दिन के टाइम में टेम्परेचर 28 डिग्री होता था और शाम को -10। कई बार तो सेट्स भी उड़ गए थे हमारे, बट ओवरऑल वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल शेड्यूल टू गो ऑन फ्लोर। थैंक यू। सवाल कौन सबसे पहले तो सिलेबस्टर को पहली एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो अवार्ड्स की अनवेलिंग है उसके लिए मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। पहले देख लूँ कितना खूबसूरत है, कैसा है, और उम्मीद करूँ कि बहुत जल्द हमारे हिस्से में बटोर के हम ले आएँ। ऐसे तो बड़ा खूबसूरत है, थोड़ा नज़दीक से देखिए तो और अच्छा लगेगा, हाथों में देख कर तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी अभी शूटिंग खत्म हुई है, और अभी बोलने की इजाज़त नहीं है, तो मेरे ख्याल से इंतज़ार करना चाहिए, फिर बता। यू वही तो कह रही हूँ, एक महीना और इंतज़ार कीजिए, आपको पता चलेगा। ये मैगजीन 1 साल की हो गई है, उसका जन्मदिन उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे बहुत सारे पुराने साथी उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं सुना उसे हिंदी में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हिंदी में भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑफिशियली इंट्रोडक्शन, ऑफिशियली, अच्छा ऑफिशियली। देखिए सबसे अच्छी बात है कि अवार्ड किसी तरह की भी बने,
लेकिन जिस तरह एक्टरों को एक जगह पानी पड़ती है अवार्ड पाने के लिए, इसी तरह आज के दिन में जो लोग अवार्ड दे रहे हैं उनको भी एक जगह बनानी चाहिए, लोग उस अवार्ड की इज्जत कर सकें। तो मैंने जो सुना है कि मराठी में जो अवार्ड इनके बनने बना रहे हैं इसमें शायद एक खास किस्म की ट्रॉफी बनाई जाएगी जिसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर का कवर रहेगा। तो मेरे हिसाब से सिल्वर गोल्ड का कवर ना भी रहे तो अवार्ड तो अवार्ड ही होता है, और अवार्ड उसके लिए मिलता है कि आपकी जो मेहनत होती है उसको लोग पसंद करते हैं और उसे उस हिसाब से अवार्ड दिया जाता है। तो मेरी फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को और अवार्ड के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा बेटा है, इसका नाम राघव ऋषि है, तो इसकी तरफ से भी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। Only create a history, na, that's why I'm giving it for the first time. This never been done in any of the Indian. This is a what you call it, first time ever in history in the Indian cinema that the award which has been crafted with Hallmark Gold look, and VVS camera look. Diamond. That is with VVS Diamond. First we are coming up with the Marathi. Idhari dekhe bolo. And later on we'll be coming for the Bollywood, so it is for the... इस प्रोग्राम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। मैगजीन तो बहुत अच्छी है, मैगजीन बहुत अच्छी है, हम कभी कभी पढ़ते भी हैं, वेरी गुड मैगजीन सर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये मैगजीन दिन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू। जैसे कंप्लीट हो गया पता नहीं चला, वैसे और इसी तरह से आगे चीज़ें चलती रहेंगी, और उसके बाद अभी जो अवार्ड के अनाउंसमेंट हो गया, हर अवार्ड हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो सिनेबस्टर्स का ये अवार्ड भी ऑब्वियसली हर एक के लिए इम्पोर्टेंट ही होगा, एंड इनफैक्ट पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। सॉरी, अभी फिलहाल जो है राइट नाउ आई एम डूइंग अ मूवी कि विच इज़ इंडो पाकिस्तान बेस्ड है, लॉट ऑफ एड्स आर कमिंग एंड डूइंग अ टीवी शो ऑन सब टीवी, सो दिस थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, एंड एक मराठी की भी बात चली है जिसके लिए मुझे ज्योतिषी ने यहाँ पे बुलाया है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, एंड मराठी भी इनका लॉन्च हो रहा है तो मैंने कहा चलो इसे लगे हाथ पब्लिसिटी इनकी भी हो जाए, सो दिस इज़ द थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वे मैं चोरी चोरी अखियां मिलाने लग पई, खड़ी शीशे मुरे थोड़ा शर्माने लग पई, वे मैं चोरी चोरी अखियां मिलाने लग पई, सबसे पहले मैं एक साल पूरा होने पे ही बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मुझे ये पता चला कि रियल डायमंड एंड गोल्ड की ट्रॉफीज़ जो मिलने वाली है फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिली, तो ये बहुत ही मैं जिनको ट्रॉफी मिलने वाली है उनको मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, और जो नई मैगजीन आज लॉन्च हो रही है उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ सीने बस्तर के लिए, जो कि हिंदी मैगजीन है, तो पूरी टीम को मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। मेरा नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है, शिवारिंदानी, पीपल नो इज कैप्टन सराक, एंड पीपल नो इज विक्की मल्होत्रा। We are here at the party to grace this occasion, and I think this is a very good move as far as the votes are concerned and projects are concerned. I think it should happen again and again, and people should be given so much opportunity to get award and to prove their talent. What about you? अवार्ड बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है हर एक इंसान के लिए जो अपना काम करता है, और काम के बाद में उसको एक सराहना मिलती है, जो नाम मिलता है, जो अवार्ड के रूप में मिलता है, तो उसको एक अंदर से हिम्मत बढ़ती है और ऐसा लगता है कि भैया ये मुझे बार बार इतना अच्छा काम करना है, तो वो एक प्रोत्साहन जो मिलता है आदमी को काम करने के लिए, तो और अच्छा काम करता है इंसान, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया है, वेरी नाइस, आई विश देम ऑल द बेस्ट,
and congratulations as well. और हम बार बार I just said कि एक ट्रॉफी एक अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से कोई नहीं. अवार्ड चाहे वो पब्लिक के रूप में हो चाहे एक ट्रॉफी के रूप में हो, लेकिन एक इंसान को जान पहचान मिलना बहुत ज़रूरी है, वो अवार्ड के थ्रू मिलती है. वो बेसिकली अवार्ड एक आर्टिस्ट के लिए हौसला अफजा है. अवार्ड मिलता है तो उससे बेहतर करने की कोशिश करता है. मार्केट ये अप्रिशिएशन एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है. आई थिंक एवरीबडी शुड गेट, चाहे वो छोटा एक्टर हो या छोटा आर्टिस्ट हो या बड़ा एक्टर, एवरीबडी शुड गेट एंड इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन. हम दोनों का अपकमिंग प्रोजेक्ट में मतलब एज एन एक्टर पूछ रहे हैं, एज एन एक्टर. अच्छा, एज एन एक्टर मेरा एक मेरी एक फिल्म मैंने की है, वो ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हुई है, कुछ एक दो दिन का काम बाकी है. फिल्म का नाम है गॉन केश. गॉन इज इंग्लिश, केश इज इन हिंदी, केश मतलब पा. गॉन केश करके एक बहुत ही अच्छी एलोपेशिया पे कहानी है फिल्म में, बट दैट आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, वो एक फिल्म है. और एक फिल्म अभी शुरू होने वाली है मेरी जो शायद सितंबर में शुरू हो, तो वो हम कर रहे हैं. और बाकी एज ए डायरेक्टर हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है. बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. एंड वी बोथ आर डायरेक्टिंग अ फिल्म टुगेदर वेरी सून एंड टू मंथ्स टाइम. एक फिल्म में डायरेक्ट किया, बाकी बाकी एज एन एक्टर थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग. तो पिन पॉइंट नहीं रखते ये फिल्म भी आ रही है, बिकॉज फिल्म बनती है लेकिन कब रिलीज होती है. So we just got an actor, an actor, first level and on screen as well. Thank you. Like to congratulate Ronnie ji ke aaj trophy launch hone wali hai, wo bhi real diamond and gold, and I feel ke maine bhi waise trophy ban ke hi aayi hu main. You can see me. Aur main bahut excited hu trophy dekhne ke liye, specially diamond lage hue. Mujhe kuch mile na mile trophy de dena. I can put more diamond, you can see this. And I like to congratulate ke apni cine buster pehle english mein pehle thi launch, ab hindi mein ho rahi hai, right? Yeah, we are completing 1 year too. Yeah, and ek saal complete ho raha hai, uske liye bahut bahut badhai. Main aaj trophy ban ke aayi hu. Because of trophy ke match ho rahi hai, because of black diamonds gold. या थैंक यू. मैं कभी कभी की हीरोइन हूँ. कभी कभी हीरोइन लगती हूँ, सब कभी कभी की नहीं. एक्चुअली रॉनी जी एंड जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग हैं उनको मैं बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करने और ट्रॉफी स्पेशली ट्रॉफी देखने आई हूँ. एंड बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं बेस्ट विशेस कहना चाह रही हूँ. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. संजू का ट्रेलर बहुत ही फैंटास्टिक है, सुपर सुपर डुपर हिट. संजू बाबा बोले तो यू नो इट्स अमेजिंग, हिट जाने वाली फिल्म. ओके, अगर मुझ पर बायोपिक बने तो ऑफकोर्स विद्या बालन. प्रियंका भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है. तो अगर मुझ पर बायोपिक बने तो, क्योंकि उसमें बहुत सारा उलाला होगा ना, इसीलिए तो मेन मेरे बायोपिक में बहुत सारा उलाला भी दिखाना पड़ेगा एंड उलाला भी होगा, क्योंकि मेरी करियर स्टार्ट ही हुआ है उलाला से. नहीं ऐसा नहीं है, बट उन्होंने उस टाइप की फिल्म करी है ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ड जो सब्जेक्ट है, वैसे करीना भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट विद्या बालन जी बहुत अच्छा करेंगी. पर्सनल ओपिनियन है आपका. थैंक यू. जी बिल्कुल, मैंने सनी लियोनी जी से माफ़ी मांगी है एक बहुत बड़े चैनल पे, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो टैलेंट उनमें है, जो वो कर सकते हैं, मुझमें टैलेंट वो नहीं है, और जो टैलेंट मुझमें है वो नहीं कर पाएगी. इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अननेसेसरी आई शुड नॉट टॉक अबाउट हर, बट एनी वे टुडे ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट हर.
because of you guys. देखिए वो तो आप ही जज कीजिए, देखिए वो तो आप ही जज कीजिए उनके पास. देखिए अगर उनका टैलेंट आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, ऑन गूगल, ऑन गूगल स्पेशली, तो आपको उनका वो टैलेंट देखने मिल जाए. हमारी वो लक्ष्मण रेखा है, मैं वो टैलेंट नहीं कर सकती इंडिया में. देखो बैटिंग तो करनी चाहिए हर किसी को, उसमें क्या है, करना करने में क्या प्रॉब्लम है. देखो दाऊद को फायदा हुआ नहीं, मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा हुआ, तो फायदा होने तो ऐसे भी सबके पैसे जो है गायब हो गए बैंक से, अकाउंट से. तो बैटिंग करें या चैटिंग करें, कुछ भी करें बट करें, दैट्स इट. कुछ तो होना चाहिए. मुझे लगता है कि सट्टाबाजी तो हर जगह चलती है और चलने देनी चाहिए. कोई किसी, अब मैं कितना भी कुछ बोलूँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप किसी को रोक नहीं सकते. तो अरबाज जी ने, इन्होंने उन्होंने जो किया सही किया है, होना चाहिए. बिंदु जी ने भी किया था. मुझे मौका मिलेगा मैं भी सट्टेबाजी सिस्टम को टॉनिक ये सोच के हम अपनाते हैं. और आज मुझे गर्व महसूस होता है कि सिनेबस्टर फैमिली में एक एडिशनल मेंबर यानी हिंदी एडिशन ऑफ सिनेबस्टर भी आज लॉन्च होने वाला है. इसके अलावा जैसे रॉनी जी ने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अवार्ड्स इन आवर कंट्री वी आर इंस्टीट्यूटिंग ए वेरी स्पेशल अवार्ड, जिनके बारे में इन्होंने कहा कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स आर वुडन अवार्ड्स और ब्रॉन्ज, लेकिन यहाँ तो डायमंड स्टडेड गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड अवार्ड है, जिसको पाने के लिए हर एक्टर एक्ट्रेस सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर खुश हो गए. इनिशियली वी आर बिगिनिंग विद मराठी सिनेमा एंड टेलीविजन एंड बाद में वी आर प्लान्स टू एक्सपैंड इट टू हिंदी ऑल्सो. Well, thank you so much, sir. And the moment we all have been waiting for, jis pal ka hum sabko intezar tha, wo pal aa chuka hai. And before we go ahead and launch.